चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। थ्री वेट ए बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम मूव्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड ए एंड बी इज। ए और बी के बीच में जो टेंशन है ये फाइंड आउट करना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं टी, यहां पर टेंशन टी डैश कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ए से सी के बीच का जो थ्रेड है वो एक ही है, इसलिए टेंशन टी डैश थ्रू आउट होगा। ठीक है, ए और बी के बीच में जो थ्रेड है वो अलग थ्रेड है, इसलिए टेंशन टी कंसिडर किया है। तीनों का मासेस दिया हुआ है 1 kg, 3 kg और 5 kg। तो इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो 5g के इक्वल होगा, मास इंटू जी। इधर होगा 1 × g और इधर होगा 3 × g। अगर मैं तीनों मासेस को हॉरिजेंटल कर दूं कुछ इस तरह से, अगर ध्यान से देखो ये इस तरह से, बी ये हो गया, ए ये है, सी ये है। तो C पे फोर्स 5G राइट साइड में लग रहा है, B पे लेफ्ट साइड में 1G लग रहा है, A पे लेफ्ट साइड में 3G लग रहा है। अगर तीनों मासेस को एक कर दिया जाए, 1 + 3 + 5, टोटल कितना हो जाएगा, 9 kg का मास हो जाएगा। राइट साइड में 5G फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में 4G फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन राइट साइड में हो, क्योंकि 5G बड़ा है 4G से। तो ये सी वाला जो ऑब्जेक्ट है यानी ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ए और बी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, क्योंकि तीनों कनेक्टेड हैं तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अच्छा, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू एम टी इंटू ए यूज किया जाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, 5g - 4g इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, 9 kg का। तो 9 × a, तो मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो जी अपॉन 9 होगा। तो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, 9 by g/9 से मूव करेंगे। तो टेंशन इस ब्लॉक पे कितना होगा, तो FBD बनाते हैं बी ब्लॉक का। FBD 1G नीचे लग रहा है, ऊपर थ्रेड का टेंशन है टी और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ओ ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ। तो अगर FBD हमने बी का बनाया तो एफ नेट इस पे अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 1 kg, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है g/9 और नेट फोर्स कितना है 1g g - t। तो अगर थोड़ा सा सॉल्व करें टेंशन कितना आ जाएगा, g - t इज इक्वल टू g/9। तो इसको t को उधर भेज दो, g/9 को इधर भेज दो, तो t इज इक्वल टू g - g/9। ये कितना हो जाएगा, 8g/9 हो जाएगा। थ्रेड में टेंशन कौन सा ऑप्शन सही है, 8g/9, c वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।